और बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है। एक बार फिर से ईडी की दबिश जेएमएम नेता पर देखने को मिल रही है। जेएमएम नेता अंतु तिर्की के ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। बारियातो स्थित आवास और अन्य ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। फर्जी डीड बनाने का मास्टरमाइंड सद्दाम से पूछताछ के बाद ये रेड पड़ी है। जमीन घोटाले से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। अगर हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं तो जमीन घोटाला झारखंड में एक बहुत बड़ा स्कैम है और जिसकी ईडी जो है वो पिछले कई महीनों से कार्रवाई कर रही है। कई महीनों से जमीन घोटाले मामले में जो तमाम तथ्य हैं वो ईडी की टीम जुटाने का काम कर रही है और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन इसी प्रकरण से जुड़े घोटाले में जेल में बंद हैं। और उनके बाद से ही जब हेमंत सोरेन पर कार्रवाई होती है, जेल के अंदर उनको पहुंचाया जाता है, उसके बाद से ही तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उनके करीबी रहे हैं, चाहे उनके प्रेस सलाहकार की बात करें या फिर कई और अन्य बड़े नाम हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ चपेट में आए और धीरे धीरे सब पर कार्रवाई होती चली गई। और इसी कड़ी में जेएमएम नेता अंतु तिर्की के ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। बारियातो स्थित आवास और उनके अन्य ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। रांची से सामने आ रही है, बारियातो स्थित आवास और अन्य ठिकानों पर जेएमएम नेता अंतु तिर्की पर ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ यह मामला है और फर्जी डीड बनाने के मास्टरमाइंड सद्दाम से पूछताछ के बाद अंतु तिर्की पर अब ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। उनके बारियातो स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची है, छापेमारी कर रही है। जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। और अगर हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं तो लगातार झारखंड में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में तार जुड़ते जा रहे हैं। ईडी की टीम कार्रवाई का दायरा बढ़ाती जा रही है। इसी कड़ी में जेएमएम नेता अंतु तिर्की के ठिकानों पर भी अब ईडी ने दबिश। और हजारीबाग में रामनवमी त्योहार के मद्देनजर विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रशासनिक महकमा जुटा हुआ है। उपायुक्त पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में देर शाम अधिकारियों ने जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया है और कई चीजों को व्यवस्थित करने का निर्देश भी दिया है। मौके पर उपायुक्त ने बताया कि रामनवमी के पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। इसके लिए कई चरणों में विभिन्न अखाड़ों के साथ बैठक भी की गई है। वहीं जुलूस को लेकर मूलभूत सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि त्यौहार में समन्वय बनाए रखें और सभी का सहयोग भी करें। देखिए, आज हम लोग फिर सभी पदाधिकारियों के साथ रूट के इंस्पेक्शन के लिए निकले। लास्ट की जो तैयारियां हैं, क्योंकि आज परसों नवमी है और उसके बाद मेन जो यहाँ जुलूस रहेगा वो 18 और 19 को रहेगा, तो उससे पहले हम लोग एक बार निकले हैं देखने के लिए जो भी तैयारियां की गई हैं, रोड की साफ़ सफाई, मंच का जो बनना था, बैरिकेडिंग जो होनी थी, उसी सब के इंस्पेक्शन के लिए। सुरक्षा के लेके जितने फोर्स लगाए गए थे कहीं उससे ज़्यादा हम लोग लगा रहे हैं और सभी जगह जहाँ जहाँ कहीं भी अगर पूर्व में छूटा है उसको हम लोग वहाँ भी फोर्स दे रहे हैं। फोर्स की हमारे पास कोई कमी नहीं है। कहाँ जाए तो तैयारियाँ पूरी है, एकदम पूरी तैयारियाँ हैं और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। निरीक्षण वो एक्चुअली बैरिकेडिंग और ये कोई तार जो है, बहुत सारा तार नीचे झूल गया है, वो सब